हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मतीम पेंटर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पेंटर मतीम कुरैशी, उत्तर प्रदेश बरेली मीरगंज। दोस्तों, आज मैं एक दो प्राइमरी कलर से आपको कई कलर बना के दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा प्राइमरी कलर है दोस्तों, वो है ये एशियन पेंट का वाइट पेंट। ये दोस्तों एक्सटीरियर इमोल्शन है, इसको एस बोलते हैं। 190 रुपये इसकी MRP है, लेकिन ये 160 रुपये का 1 लीटर है। और दोस्तों ये पानी से चलने वाला कलर है, तो हम इसको अब खोलते हैं। तो दोस्तों हमने यह डब्बा खोल दिया है, तो देखिए आप, ये एकदम वाइट कलर है, बिल्कुल दिखने में संगे मरमर की तरह है। जब आप इसको दीवार पे लगाएंगे तो इसमें आंधी पानी तूफान का कोई असर नहीं है। ये कम से कम 4 साल तक टिकता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, और कंपनी से 3 साल की गारंटी है जो इस पर लिखी हुई है। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको बना के दिखाते हैं लेमन येलो कलर। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया है वाइट कलर, और ये भी हमने ले लिया है वाइट कलर, यहाँ भी हमने वाइट कलर ले लिया है दोस्तों। यहाँ भी हमने रख दिया है वाइट कलर, यहाँ भी हमने रख दिया है। बैठ जाओ। यहाँ भी हमने वाइट कलर रख दिया है। अब आप ये देखिए कि हम इस एक कलर से कितने कलर बनाते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लेमन येलो कलर, तो लेमन येलो कलर बनाने के लिए दोस्तों आपको मार्केट में पेंट की दुकान से लेना पड़ेगा ये यूनिटेंट का यूनिवर्सल स्टेनर। इसकी मार्केट में रेट प्राइमरी MRP 75 रुपये है, लेकिन ये 45 रुपये का 45 रुपये का 100 ml है। और ये दिखने खोलने के बाद में ये बिल्कुल ऐसा है, एकदम पीला जैसे सरसों का कलर होता है। और ये हमने इसमें सफ़ेद में मिक्स कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको मिला दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बन चुका है पीला कलर। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कैसा लगा? ये बन चुका है। अब इसी कलर में हम अब आपको दिखाते हैं दोस्तों ऑरेंज कलर, केसरिया रंग। तो केसरिया रंग के लिए आपको मार्केट में पेंट की दुकान से यही स्टेनर लेना पड़ेगा, यूनिटेड यूनिवर्सल स्टेनर। ये ओरिजिनल स्टेनर होते हैं दोस्तों। ये 200 ग्राम 80 रुपए का है। ये दिखने में बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में होता है। तो ये मैंने इसको ले लिया है और इसको मैंने सफेद पेंट में ये मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें पीला एक कलर भी मिक्स कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑरेंज कलर पीला कलर और रेड कलर से भी बनता है। तो ये देखिए आप, ये मैंने इसको मिला दिया है। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से ये ऑरेंज कलर हमारा बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है, तो दोस्तों अब जो हम आपको बनाकर दिखाने जा रहे हैं वो है पर्पल कलर, और पर्पल की डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा है। तो पर्पल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि मार्केट में पेंट की दुकान से आपको ये वॉयलेट लेना पड़ेगा। ये भी दोस्तों 100 ग्राम 45 रुपए का है, 40 रुपए का है।
ये दिखने में बिल्कुल नील जैसा होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैंगन जैसा कलर बनाता है, और अगर कम मात्रा में मिलाएंगे बहुत ना के बराबर, तो ये आपकी सफ़ेदी में और चार चांद लगा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपको पर्पल कलर बनाने का तरीका। तो वाइट में हमने ये पर वॉयलेट को मिक्स कर दिया है, ये हमने इसमें वॉयलेट मिला दिया है दोस्तों। अब इसको हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितने अच्छे से ये बैंगनी कलर बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब जो हम कलर आपको बनाकर दिखाने जा रहे हैं वो है रंगों की जान, रंगों की शान, रंगों की आन बान और शान, VIP कलर, जो सबसे ज़्यादा कोठियों के अंदर किया जाता है पुराने ज़माने से लेकर अब तक। तो ये स्टेनर पेंट के डिब्बे में पड़े होने की वजह से काला हो गया है ये कलर। ये दोस्तों दिखने में बादामी कलर जैसा है पीला, लेकिन इसको पेंट की दुकान पर जब आप लेने जाएंगे तो आपको इसको येलो ऑक्साइड के नाम से लेना होगा। तो जब हम इसको इसमें हमने ले लिया है, और ये दोस्तों सारे स्टेनरों के मुकाबले बहुत गाढ़ा स्टेनर निकलता है। लेने के बाद में हम इसे इसमें पेंट में मिलाते हैं। ये मैंने इसमें लोड दिया है, ये बहुत गाढ़ा स्टेनर होता है और स्टेनर के मुकाबले। अब मैं इसमें इसको मिला रहा हूँ, देखिए आप कितने अच्छे से ये मिलके बादामी कलर हो गया है, जिसको आप येलो ऑक्साइड क्रीम कलर भी कह सकते हैं। और ये दोस्तों ऐसा कलर है कि ज़्यादातर घर के अंदर अगर अच्छे से कर दिया जाए तो किसी सोने की दीवार से कम नहीं लगता है। अगर आप इसके साथ में तीन दीवारों पर ये कलर, और एक दीवार पर अगर इसके साथ में आप किसी भी साइड में गोल्डन कलर अगर लगा दें, जो गोल्डन आता है, तो आज तक आपने चार चांद कहते हुए सुना होगा, लेकिन ये आपके घर में 20 चांद लगा देगा, क्योंकि उस गोल्डन की जो छाप होती है जब लाइट पड़ेगी तो चारों दीवारों पर पड़ेगी, तो इसमें भी आपको सोने जैसी चमक दिखाई देगी। ये अब तक के सारे रंगों में सबसे बेहतरीन कलर है। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं अगला कलर। तो अभी तक आप देख चुके हैं चार कलर, अब जो हम दिखाने जा रहे हैं वो है ये वाला कलर। तो दोस्तों ये भी यूनिटेंट कंपनी का यूनिवर्सल स्टेनर है, और हमेशा याद रखें कि जब आप प्लास्टिक पेंट में यूज करें तो आपको ओरिजिनल स्टेनर ही यूज करने होंगे, और ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। दूसरा स्टेनर आपको लोकल मार्केट में 40 का मिलेगा, तो ये 45 का मिलेगा। 5 रुपये के चक्कर में आप 50,000 का काम खराब ना करें। तो इस स्टेनर को लेने के लिए आपको पेंट की दुकान पर फास्ट ब्लू कह के लेना पड़ेगा। ये दिखने में बिल्कुल डार्क नीला होता है, इससे आप अपनी मनमाफिक ब्लू कलर बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सफ़ेद पेंट के अंदर कम मात्रा में रखेंगे तो ये दिखने में ऐसा होगा। यानी कि ये स्काई ब्लू होगा, ऐसे आसमानी कलर। और अगर आप चाहें तो इसमें डार्क शेड कर सकते हैं और इसकी मात्रा और बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको ब्लू में भी कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा इसमें ये स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे ये ब्लू होता चला जाएगा। ये देखिए आप, ये मैंने कलर मिक्स कर दिया है, कितना अच्छे से आपको ये लग रहा है कि ये इसका और इसका मैच भी है। तो दोस्तों अब बचा है हमारा आखिरी कलर। तो आखिरी कलर कौन सा है, बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं। आखिरी कलर जो है दोस्तों वो है ग्रे कलर। ग्रे कलर आपको बनाने के लिए लेना पड़ेगा यूनिटेन कंपनी का ही ब्लैक स्टेनर।
इनका इन सारे स्टेनरों का रेट एक ही होता है। किसी किसी स्टेनर पे जैसे रेड कलर है एक दो चार रुपए बढ़ती होते हैं। तो ब्लैक ग्रे कलर बनाने के लिए आपको ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना होगा। तो वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ कि ये वाइट कलर हमने ले लिया है, अब अगर आप इसमें हल्का सा ये काला मिलाएंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा बिल्कुल ऐसे जैसे कि सीमेंट का या पत्थर का कलर होता है। ये कलर दीवार पे लगने के बाद में बुरा नहीं लगता है दोस्तों, अच्छा लगता है। और इसकी मात्रा आप काले की और बढ़ाएंगे तो ये रंग और चेंज कर देगा, यानी कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कलर कर सकते हैं ऐसे करके जैसे मैं बना रहा हूँ। और अगर आप इसमें थोड़ा और लुक लाना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी नीले की मात्रा भी लगा सकते हैं ऐसे करके। तो आप ये देखिए कि ये स्मोक ग्रे कलर में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए आप, ये ग्रे से स्मोक ग्रे कलर बन चुका है। इसके लिए आपको नीले फास्ट ब्लू स्टेनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने अच्छे से ये सारे रंग बन चुके हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मतीम पेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो और दोस्तों आखिर में बचा है ये रंगों का बादशाह सिग्नल रेड। अब हम दिखाते हैं आपको आखिरी रंग बनाकर, यह है पिंक कलर बनाने का तरीका। तो आपको वाइट में रेड कलर मिक्स करना होगा। ये देखिए ये मैंने रेड कलर इसमें मिला दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।